देखो छात्रों, काल के भेद मैं जरा आपको अलग पद्धति से सिखाऊंगा। मतलब एक ही दृष्टिक्षेप में आपके सामने सब काल है। मतलब काल के भेद फॉर्मूला का मैंने यहाँ चार्ट बनाया है। चार्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है, भविष्यकाल क्या है और उसे किस प्रकार हम बदल सकते हैं फॉर्मूला के जरिए। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो कि यहाँ वर्तमान काल है, भूतकाल और भविष्यकाल। यहाँ इस कॉलम में सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। मतलब कैसे देखना है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण इधर है, अपूर्ण वर्तमान काल का इस कॉलम में, पूर्ण वर्तमान काल का इस कॉलम में। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए एक ही वाक्य लिया है और एक ही वाक्य का बदलाव अलग अलग काल के रूप में फॉर्मूला के जरिए मैंने आपके सामने रखा है। क्या उदाहरण है देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण मैंने यहाँ लिया है, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। देखो कि सामान्य वर्तमान काल में क्रियापद को ता, ती, ते ये प्रत्यय लगता है। जब वाक्य के अंत में है या हूं आता है तो वह निश्चित वर्तमान काल है और क्रियापद को अगर ता, ती, ते ये प्रत्यय लगता है तो वह वर्तमान काल सामान्य होता है। सामान्य वर्तमान काल का फॉर्मूला इस प्रकार है, धातु को मतलब क्रिया को ता, ती, ते प्लस है, हूं ये जुड़ जाता है और इसलिए सामान्य वर्तमान काल का वाक्य इस प्रकार बना, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। ठीक है, अब इसको हम अपूर्ण वर्तमान काल में करते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। देखो कि काल कौन सा भी क्यों न हो, उस वाक्य में या उस काल में रहा, रही, रहे ये शब्द जब आते हैं तो वो काल अपूर्ण होता है। यहां वाक्य के अंत में है इसलिए ये वर्तमान काल है और क्रियापद को रहा, रही, रहे ये जुड़ा हुआ है इसीलिए अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य इस प्रकार बना, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। मतलब बंदर पेड़ पर चढ़ने की क्रिया जारी है वर्तमान में। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल पर चढ़ा है मतलब बंदर की पेड़ पर चढ़ने की क्रिया पूर्ण हो गई है और ऐसे वाक्य में क्रियापद को आ या इस प्रकार जुड़ा हुआ होता है और अंत में है या हूं आता है। देखो कि यहां एक बात ध्यान में रखनी है कि वाक्य की शुरुआत मतलब कर्ता अगर मैं ये होता है तो वाक्य के अंत में हूं आता है। अगर कर्ता मैं नहीं है, वाक्य के अंत में है ये आता ही है। उसी प्रकार बंदर पेड़ पर चढ़ा है, यहां आ ये जुड़ा हुआ है और है इसलिए पूर्ण वर्तमान काल बन गया, बंदर पेड़ पर चढ़ा है। अब देखते हैं भूतकाल, सामान्य भूतकाल, बंदर पेड़ पर चढ़ा। देखो सामान्य भूतकाल में मतलब सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में था, थी, थे नहीं आता है, केवल क्रियापद को आ या ये प्रत्यय लगता है। क्रिया अगर स्त्रीलिंगी है तो ये प्रत्यय लगता है, क्रिया अगर बहुवचन में है तो ये प्रत्यय लगता है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब अपूर्ण भूतकाल, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा था। था का मतलब भूतकाल है और रहा का मतलब अपूर्ण है। मतलब क्रियापद को रहा, रही, रहे और वाक्य के अंत में था या थी या थे जब आता है तो वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का होता है। बंदर पेड़ पर चढ़ा था, यहां बंदर पेड़ पर चढ़ने की क्रिया बहुत पहले हो चुकी है मतलब भूतकाल में हो चुकी है। इस वाक्य में धातु को आ या और वाक्य के अंत में था या थी या थे लग जाता है। मतलब बंदर पेड़ पर चढ़ा था ये वाक्य
पूर्ण भूतकाल का हो जाता है। अब देखो कि भविष्यकाल केवल सामान्य होता है, सामान्य भविष्यतकाल। बंदर पेड़ पर चढ़ेगा, सामान्य भविष्यकाल के वाक्य के अंत में केवल गा, गी या गे ये आता है। क्रिया जब पुल्लिंगी है तो गा आता है, क्रिया अगर स्त्रीलिंगी है तो गी आता है, और क्रिया अगर बहुवचन में है या अनेक वचन में है तो गे आता है। ये बात ध्यान में रखनी है। देखो फिर से काल के भेद का फॉर्मूला इस प्रकार है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो और बहुत अच्छे तरीके से काल परिवर्तन कीजिए। धन्यवाद।